हेलो दोस्तों, नमस्कार। बबीता पावर रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मलाईदार मीठी लस्सी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लस्सी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 400 ग्राम करीब दही ले लिया है। गाढ़ा दही है, बहुत ज़्यादा खट्टा दही हमें नहीं लेना है। तो चलिए आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। एकदम बिल्कुल इस तरह का दही आपको लेना है, ये देखिए ऐसा गाढ़ा, इसमें पानी ना हो ज़्यादा, तभी हमारी लस्सी अच्छी बनेगी। इसमें मैंने डाल दिया है 1 कप दूध और 1 कप ही मैंने यहाँ पर चीनी ली है। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि लस्सी थोड़ी सी गाढ़ी है तो थोड़ा सा पानी डाल लें। मेरी भी लस्सी थोड़ी सी गाढ़ी है तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया है, 2 से 3 टेबल स्पून। और यहाँ पर मैंने आइस क्यूब्स डाले हैं थोड़े से, और अच्छी तरह से इसे फेंट लेते हैं। यहाँ पर मैं विस्कस से कर रही हूँ, आप चाहे तो हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं। बहुत इजीली इस तरह से स्मूथ सा अच्छे से मत कर इसे तैयार करेंगे। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर की लस्सी हमारी बनने वाली है, ये देखिए कितनी बढ़िया अच्छी सी स्मूथ सी हो गई है। तो चलिए ग्लास में फिल कर लेते हैं, और अच्छी सी गाढ़ी सी लस्सी हमारी बनकर तैयार हुई है, ये देखिए। ऊपर से मैं थोड़ी सी मलाई डाल रही हूँ, ये दही के ऊपर की ही मलाई है, ये ऑप्शनल है, लेकिन क्रीमी टेक्सचर देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं ड्राई फ्रूट से। ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया अच्छी सी लस्सी हमारी बनकर तैयार हुई है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी लस्सी है, और मार्केट से भी ज़्यादा अच्छी लस्सी बनकर हमारी तैयार हुई है। और मेरा ये 400 ग्राम के करीब दही था, और इससे मैंने 4 गिलास लस्सी बनाकर तैयार कर ली, वो भी अच्छे बड़े गिलास में। मार्केट से यदि हम लस्सी लेते हैं तो इतनी अच्छी लस्सी हमें मलाईदार लस्सी नहीं मिल पाती है, और महंगी भी होती है। घर में हम थोड़े से दही से भी बहुत सारी लस्सी बना सकते हैं, और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है ये। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।